आँखें प्रकृति के द्वारा जीव को दी गई 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इसका कार्य देखना एवं दृश्य को नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाना है। प्रकृति ने आँखों की सुरक्षा के लिए इसे नेत्र कोटन में रखा है, जो नासिका के दोनों ओर होते हैं। साहित्यिक दृष्टि से इन्हीं आँखों द्वारा मनुष्य के मनोभावों को 9 रसों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम आँखों की रचना की बात करें तो बाहर से एक कैमरे की तरह होती है, जिसके अंदर एक लेंस होता है और पीछे की तरफ पर्दा होता है। इसको हम मॉडल में इस तरह से दिखा सकते हैं। यह हमारे आँख का लेंस है और यहाँ पीछे रेटिना यानी कि आँख का पर्दा है। जब सामने से रोशनी आती है तो वो इस लेंस के द्वारा अंदर आँख के अंदर प्रवेश करके रेटिना के ऊपर इसका फोकस होता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी वस्तु का आभास होता है या हम जिसको बोलते हैं कि हमें वस्तु दिखाई दे रही है। जब यह लेंस ट्रांसपेरेंसी जब इसकी खत्म हो जाती है तब हम इसको कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद कहते हैं। मेन दो टाइप के कैटरेक्ट है, एक बोलते हैं कंजनाइटल कैटरेक्ट जो जन्म से हो सकता है या तो बचपन में होता है, उसे कंजनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। और दूसरा रहता है एक्वायर्ड कैटरेक्ट, उम्र बढ़ने के साथ लेंस को जो न्यूट्रिशन मिलता है आँख में वो धीरे धीरे कम हो जाने की वजह से कैटरेक्ट होता है, जिसे एज रिलेटेड कैटरेक्ट बोलते हैं। दूसरे कुछ टाइप के मोतियाबिंद भी है, जैसे चोट लगने की वजह से हो सकता है, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, मेन जिसमें है डायबिटीज़ एक मुख्य कारण है जिसमें मोतियाबिंद बहुत ही जल्दी से डेवलप हो जाता है। मोतियाबिंद में मरीज को मुख्य शिकायत धुंधलेपन की होती है, यानी कि उसको नज़दीक का या दूर की दृष्टि कम हो जाती है। कई मरीजों को रोशनी से परेशानी यानी इनटॉलरेंस की शिकायत भी करते हैं। कई मरीजों को रोशनी के आसपास हेलोज दिखते हैं यानी रंग बिरंगी लाइट भी दिखाई देती है। तो इस तरीके से मरीज कई बार हमारे पास ओपीडी में आते हैं। बच्चों के अंदर जिन्हें कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट हो, ऐसे बच्चे खुद शिकायत नहीं कर सकते हैं, तो उनके माता पिता जब यह देखते हैं कि बच्चा को दिखाई नहीं दे रहा है या बच्चे के आँख के अंदर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ दिखता है तो वो उसको लेके आते हैं। जैसे कि बच्चे मेरे पढ़ते थे तो मुझे बहुत समस्या हो गई थी, क्योंकि उनकी फीस भरना अनिवार्य रहता था, ऑपरेशन कराना इतना अनिवार्य नहीं समझा। उसके बाद में मतलब मुझे बिल्कुल ही नहीं दिखता था, सिर्फ इशारे से चलती थी। एक रोज हुआ कि कोई मिलने वाले आए तो मेरे को उनकी आवाज़ से पहचान में आया, तो मैंने उनकी आवाज़ से उनको पहचाना। फिर जब मेरे बच्चे ने मुझे देखा कि माँ की ऐसी स्थिति है, तो उसने कहा कि नहीं, कहीं से भी अपन व्यवस्था करेंगे और ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराना है। तो फिर बुरहानपुर कर साहब को दिखाया, उन्होंने कहा नहीं, आपका ऑपरेशन कर देंगे। फिर पैसे की व्यवस्था की, एक आँख का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में फिर 8 दिन बाद तुरंत दूसरी आँख का भी ऑपरेशन हो गया। आँखों का ऑपरेशन बिल्कुल अच्छा हुआ, दिखता बढ़िया था मुझे, लेकिन बारीक अक्षर पेपर के पढ़ने के लिए मुझे सिर्फ माइनर नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है, बाकी मैं बिल्कुल ओके हूँ, बहुत अच्छी आँखें हैं मेरी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरा एक मरीज है जो ऑटो रिक्शा चलाता है। कई दिनों तक अपनी ऑटो रिक्शा नहीं चला पा रहा था, जिसकी वजह से उसमें घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। वो एक दिन मेरे यहाँ क्लिनिक पे आया। 2 साल से मेरे को दिख नहीं रहा था एक आँख से, फिर वापस 1.5 साल होने के बाद वापस दूसरी आँख से भी नहीं दिख रहा था। तो 1 साल से मैं गाड़ी चलाना मेरा बंद हो गया था। उसके बाद मेरे को शुगर भी थी, शुगर होने के साथ साथ वो जब तक लेवल पर नहीं आती जब तक ऑपरेशन नहीं होता। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया था, तो बोले आपकी आँखें ख़राब ज़्यादा हो गई, दोनों आँखें जल्दी से कहा अगर फूट जाएगी तो आपको तो नहीं दिखेगा। और मेरे को उसके पहले बिल्कुल ही नहीं दिखता था, गिर पड़ा था एक दिन एक गड्ढे में, उसने निकाला लोगों ने मेरे को। उसके बाद में मेरे को मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद एक आँख का हुआ पहले, फिर 15 दिन बाद मैंने दूसरी आँख का करवाया। मेरे को दोनों आँख से दिख रहे हैं बढ़िया, गाड़ी चला रहे रोज एक मेरे बाद सुबह शाम अच्छे दिख रहे, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। ऐसा मेरे को ऐसा हो गया था कि ये पेशाब करने के लिए आफत हो रही थी, लेटरिन जाने के लिए आफत हो रही थी, बाकी ऑपरेशन करने से बहुत बढ़िया हो गया मेरा, इतना अच्छा हो गया कि बस भाई मेरे को दूसरी नई ज़िंदगी मिल गई। ये समझ के तो मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जो आशा ही नहीं थी किसी प्रकार की जीने की,
अब आंखों से दिखने का ऐसा लग रहा है कि बस अपन 10-15 साल और जी सकते क्या, इतनी अच्छी दिख रही है, कोई समस्या नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी ऑपरेशन बहुत बढ़िया, मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया, सचिन डॉक्टर साहब, तो फिर मेरे को बोला कि आपको इतना खर्चा आएगा, तो मैंने कहा साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बोले आपको तो इतने पैसे लगे, आप करवा लो ऑपरेशन। मैंने कहा ठीक है साहब, और उधार लेके ये सब काम करवाया उन्हें, अभी थोड़ा देना है, पैसा बाकी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो, बहुत अच्छे कमा रहे हो, बढ़िया गाड़ी चल रही है और साफ दिख रहा है, कोई तकलीफ नहीं, एकदम अच्छा दिख रहा है। कैटरेक्ट का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है सर्जरी, ऑपरेशन। ऑपरेशन से कैटरेक्टस लेंस को निकाल देते हैं और लेंस जिस सपोर्ट से अंदर टिका हुआ है उस थैली को रहने देते हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल लेंस जिसे इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं वो इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे नॉर्मल विजन वापस आ सकता है। पुराने समय में जो सर्जरी करते थे उसमें इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट नहीं किया जाता था, बिना लेंस के ऑपरेशन करने से ऑपरेशन के बाद +10 +12 नंबर का मोटा चश्मा लगता था। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करने से हार्डली आधा या तो 0.75 डायोप्टर का चश्मा पेशेंट को लगाना पड़ता है। टेक्नोलॉजी में आजकल जो नया डेवलपमेंट है जिसे फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जिससे सिर्फ 2.8 या 2.2 मिलीमीटर जितने छोटे चीरे में से भी बिना टाके का ऑपरेशन करके मोतियाबिंद का बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। अभी कुछ सालों पहले तक मोतियाबिंद का इलाज इस तरह से किया जाता था कि उसके अंदर लेंस का इम्प्लांट नहीं किया जाता था, इसके अंदर मोतियाबिंद को पूरा निकाल लिया जाता था और टाके भी नहीं लगाए जाते थे। इसके बाद जो नई टेक्निक आई, इसके अंदर मोतियाबिंद को निकालने के बाद उसकी जो थैली होती है उसके अंदर लेंस इम्प्लांट किया जाता है, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होने लग गई। अभी जो लेटेस्ट टेक्निक चलती है उसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर बहुत ही छोटा सा चीरा यानी 2 मिलीमीटर या 2.8 मिलीमीटर का चीरा लगाया जाता है, जिसके अंदर से एक सुई नुमा इंस्ट्रूमेंट को अंदर आँख के अंदर डाला जाता है और मोतियाबिंद को पूरा पिघला के उसको सक कर लिया जाता है, और इसी छोटे चीरे के अंदर से फोल्डेबल लेंस को हम अंदर इम्प्लांट करते हैं। इस टेक्निक से ये फायदा हुआ है कि छोटे चीरे की वजह से घाव बहुत जल्दी भर जाता है और मरीज जो है अपने काम के ऊपर बहुत जल्दी लौट सकता है। इस टेक्निक की वजह से एक और फायदा ये होता है कि आँख के नंबर आने का चांस भी काफ़ी कम हो जाता है, मरीज अपना काम बहुत आसानी से कर सकता है, ऑपरेशन के बाद उसे आराम करने या बेड रेस्ट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। ऑपरेशन के बाद कुछ चीज़ों का मरीजों को ध्यान रखना होता है, जैसे कि काला चश्मा लगाना, दवाई नियमित रूप से डालना, आँख के अंदर धूल धुआं कचरा पानी नहीं जाए इस बात का ध्यान रखना, और आँख के अंदर चोट लगे नहीं इस बात का भी ध्यान रखना होता है। बाकी मरीज अपना काम कर सकता है, काफ़ी सहूलियत से सब कर सकता है, रोज़मर्रे का जो काम है अपना चलना फिरना करना ये सब बहुत अच्छे से कर सकता है। कई बार हम अखबारों में या कहीं मीडिया में हमको ये मालूम पड़ता है या हमको ये बताया जाता है कि मोतियाबिंद का इलाज कुछ दवाइयों के द्वारा या कुछ स्पेशल चश्मों के द्वारा भी हो सकता है, किंतु यह सही नहीं है। मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, यह मशीन के द्वारा होता है, इसलिए इसमें थोड़ा खर्चा आता है मरीज को। ऐसे कई मरीज होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे के होते हैं, उनके लिए सरकार एक प्रोग्राम चलाती है जिसको नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कहा जाता है। एज ए डॉक्टर मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आँख में छोटी से छोटी भी बीमारी हो तो हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करके ही उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कुछ दर्दी मेडिकल शॉप पे जाके
मेडिसिन ले लेते हैं और बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए ड्रॉप डालते हैं जो आँखों को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। सो आँख में कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका समय पर अगर इलाज किया गया तो 100% रोशनी अपन वापस ला सकते हैं। आँखें अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, वो आँख अपना एक अनमोल रतन है जिसका जतन करना अपने हाथ में है। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप नेत्रदान अवश्य करें। आपके नेत्रदान की वजह से किसी की रोशनी वापस आ सकती है।